नागपुर में दीनदयाल थाली कृतज्ञता लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वक्त जिलाधिकारी विपिन निटनकर, मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी और सरसंघचालक मोहन भागवत प्रमुख रूप से उपस्थित थे। विश्वाच्या प्रांगणामध्ये भारतीय संस्कृतीचं पुनर्स्थापन करत आपली महत्त्व पटवून देण्याचं मोठं काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करत आहे आणि आज आदरणीय मोहनजींचा आपल्या सगळ्यांना आशीर्वाद मिळणार आहे। माननीय डॉक्टर मोहनजी भागवत यांचे स्वागत करतो। माननीय आमदार मोहनजी मते या ठिकाणी उपस्थित आहेत। मी लोक सेवा प्रतिनिधींच्या माध्यमातून असे उपक्रम राबवले जात असतात। माननीय डॉक्टर नितीनजी केळकर, माननीय आयुक्त मनपा श्री बी राधाकृष्णन या ठिकाणी उपस्थित आहेत। मी बंडू राऊत यांना मनपाचे आयुक्त माननीय श्री बी राधाकृष्णन यांचं आणि आपल्या सगळ्यांचे आवडते मेडिकल कॉलेजचे अधिष्ठाता डॉक्टर राज गजभिये, श्रेयस सवरे यांनी कृपया आमच्यावर यावं। श्रेयस सवरे यांच्या पालकांना विनंती आहे, त्यांना घेऊन मंचावर यावं। अर्जुन दिनेश नेता, अर्जुन दिनेश नेता आले आहेत का? विचाराला खऱ्या अर्थाने साकार करणारा हा उपक्रम आहे। अन्न वस्त्र निवारा आणि अर्थातच सगळ्या घरामाध्यमातून या सगळ्यांना दीपाली खुर्जेकर यांना आणि माधुरी भागवत, माननीय आयुक्त श्री बी राधाकृष्णन यांना विनंती करते, त्यांनी माधुरी भागवत यांना हे कार्य द्यावं। सेवा करने वाला नीचे है, सेवा जिसकी करते हो वो नीचे है, करने वाला थोड़ा ऊपर है, देने वाले का हाथ ऊपर है, लेने वाले का नीचे है। लेकिन ये जो करुणा है उस करुणा में उल्टा है, क्योंकि ये अपना है इसलिए देने वाला उसके ऊपर नहीं हो सकता, वो बराबरी में हो सकता है, क्योंकि ये मेरा है। अपने बच्चे के लिए कुछ करते तो बच्चे पर उपकार नहीं मानते, बच्चे पर हमने दया की ऐसा नहीं मानते, क्योंकि वो अपना है। और जब मैं और मेरा कुटुंब छोड़ के उसके बाहर जाके हम सेवा करते, रिश्ता नाता नहीं है, परिचय नहीं है, एक गांव का भी नहीं है, लेकिन हम जाते दौड़ते, संवेदना मन में है, वो सक्रिय होती है, तब उस संवेदना को करुणा करते हैं। वो संवेदना क्या है कि हम मानते हैं कि हमारी जिंदगी में दुनियादारी में बहुत कुछ उल्टा सीधा होते रहता है, हम नहीं चाहते तो भी थोड़ी सी उसकी दुर्गंध लग ही जाती है, उससे छूटना कैसे? तो उसका अवसर जिनकी हम सेवा करते वो हमको देते हैं, लेकिन सेवा की भावना, क्योंकि सेवा की भावना में अपनापन है, यहाँ स्वार्थ नहीं है, कुछ पाना नहीं है, इससे देना ही देना है। क्यों दे रहा है? अपना है इसलिए देना है। अपना है इसका मतलब छोटा है कि बड़ा है, पैसे वाला है कि गरीब है। अभी बार बार गोर गरीबांची सेवा ऐसा कहा गया, वो बात ठीक है, वर्णन सही है, लेकिन भावना गोर गरीब की नहीं रही, अपनेपन की ही रही। उस अपनेपन से हम सेवा करते तो कोई हमारे लिए गरीब या अमीर नहीं होता, कोई हमारे लिए छोटा या बड़े नहीं होता, कोई हमारे लिए इस भाषा का उस भाषा का, इस जाति का उस जाति का, उस पूजा को मानने वाला इस पूजा, ऐसा नहीं रहा था। हम जैसा भगवान ने हमको बनाया है वैसा शुद्ध मानव बन के ये काम करने में चले, तो वो सारी दुर्गंधी हट जाती। जिसकी सेवा करते हैं वो वास्तव में हमको अवसर देता है
अपने जीवन की दुर्गंधी को हटा के, जैसे स्नान करते हैं दिन भर हम मैल धो डालते हैं और शुद्ध होकर बाहर फिर से काम के लिए जाते हैं, वैसे सेवा करने से हम पवित्र होते, हमारा जीवन अच्छा होता, हमारे जीवन की बदबू जाके खुशबू आती है। तो उपकार होगा तो जिसकी सेवा करते उसका हम पर है, सेवा में कभी अहंकार नहीं। ये सेवा ऐसी उपकारी है, प्रत्येक मनुष्य को सच्चा मनुष्य बनाने का साधन है सेवा। और इसलिए अभी नागपुर में G20 सिविल 20 हुआ, उस सिविल 20 में भी यही विषय था। स्वाभाविक है, भारत के जितने लोग वहां थे उनके द्वारा विषय आया कि व्यापार का ग्लोबलाइजेशन वगैरह आप बातें करते हो, लेकिन ये करुणा का ग्लोबलाइजेशन कब होगा, उसके ग्लोबलाइजेशन की आवश्यकता है। मनुष्य के उद्धार का वो सही उपाय है, मनुष्य को सही मनुष्य बनने का वही एकमात्र है, क्योंकि उसमें मानुष की है इंसानियत। ये ऐसा काम है इसलिए करना ही चाहिए, अपना समाज है उसके लिए भी करना चाहिए, अपने आप को मनुष्य बनाना है, सच्चा सही मनुष्य बना है उसके लिए भी करना चाहिए। तो हम यहाँ आए, ये कार्यक्रम हुआ उसके बाद भी भाषण क्यों सुन रहे हैं, और भाषण मुझे करो का, मैं कह सकता था कि भाषण क्या करना भाई, काम आप कर रहे हैं, मैं आऊँगा 30 मिनट लूँगा और जाऊँगा, इससे ज़्यादा क्या करूँगा। वास्तव में अधिकारी को तो वो लोग हैं जो कर रहे हैं, उन्होंने बोलना चाहिए, उनका बोलना करने के बाद आता है इसलिए सुनने लायक होता है। लेकिन फिर भी मैंने कहा ठीक है मैं बोलता हूँ, क्यों, क्योंकि ये केवल उनके लिए नहीं है, ऐसे कार्यक्रमों में हम जाते हैं तो कुछ एक छोटा सा संकल्प हमने सोच के करना। बहुत क्षेत्र पड़ा है हमारे समाज के, सब लोग एक दूसरे की सहायता से बराबरी में आ जाए तब तक अपने देश में सेवा की आवश्यकता है, और हमारे देश में सब लोग बराबर में आने के बाद संपूर्ण दुनिया की मानवता इस प्रकार ही, इसी प्रकार से, इसी साधन से बराबरी में आ जाए तब तक भारत के लोगों को उसको जारी रखना है, ये करना है, और इसलिए उसका प्रारंभ करना है। छोटा कदम लिया कोई बात नहीं, कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, यानी कर सकते हो तो जरूर करना चाहिए, लेकिन बिना उसके अड़ता नहीं, रुकता नहीं कुछ, जितना अपने पास है उससे करना, उसको धीरे धीरे उजागर करने का ये मार्ग है। उस मार्ग का ये बहुत अच्छा उदाहरण दीनदयाल जी की प्रेरणा से, संघ के संस्कारों के कारण वगैरह बात कही, वो क्या बात है, वही वो अपनेपन की बात है। उस अपनेपन के आधार पर जब उन्होंने सोचा कुछ करना, तब भी मेरे पास आकर बातचीत की थी उन्होंने ऐसे ही बताने के लिए, तो मैंने उनको कहा चलो आगे बढ़ो, योजना बहुत महत्वाकांक्षी थी मेरे मन में, आया क्या करेंगे, ये सब कहाँ से आएगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा करो, क्योंकि अच्छा काम करने जा रहे हैं, ठोकर लगी तो भी अच्छे काम में लगी तो क्या बिगड़ता। उन्होंने शुरू किया और लालटेन जितना आगे जाता है उतना आगे चलते हैं, उससे आगे और बढ़ते, ऐसा कर रहे इसलिए वो बढ़ रहे हैं, वो ऐसे ही बढ़ते रहे, फलते फूलते रहे, और फलते फूलते लोगों के जीवन में भी फल फूल उत्पन्न करे, ऐसी शुभकामना मैं उनको देता हूँ, और उनके इस उदाहरण का यथाशक्ति अनुकरण हम करें, ऐसा आपको आह्वान करता हूँ मेरे चार शब्द समाप्त।